हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सेकंड प्लेयर्स इन अनदर वीडियो। गाइस, पूरा वीक बीत गया है, अभी नया वीक का शुरुआत है, तो हमें कुछ होल्डिंग स्टॉक जरूर चाहिए। जिन लोग इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हैं, या फिर टाइम नहीं मिलता है, या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग कर करके ह्यूज लॉस हो चुका है, ये सारे वीडियोस उनके लिए है कि आप ऐसे ऐसे स्टॉक में स्टॉप लॉस को समझते हुए होल्डिंग पर्पस ट्रेड करो, आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। सो गाइज, विथ फुल टेक्निकल एनालिसिस मैं आपको समझाऊंगा, बट इससे पहले मैं आपको जो वीडियो बनाया हूँ वो बनाया हूँ कि कल का इंट्राडे के लिए मेरा दो स्टॉक बाइंग का एंड दो स्टॉक सेल साइड का मैं आपको सिलेक्शन करके वीडियो बनाया हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरा जाकर देख लीजिएगा ये सारे वीडियो पाने के लिए। साथ में पेनी स्टॉक, पेनी स्टॉक कौन सी स्टॉक ऐसे होगा जो 3 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपये का स्टॉक है, जो आपको आने वाले 3 से 4 साल के अंदर एक ह्यूज रिटर्न दे सकता है। 2 रुपया से 200 रुपया, 4 रुपया से 800 रुपया, ऐसे भी होता है क्या? जिन लोगों को लगता है कि ऐसे नहीं होता है, उनके लिए भी मैं स्टॉक बीच बीच में प्रोवाइड करता हूँ। अब 2 साल के लिए मत रखिए, 10 डेज या 30 डेज या 60 डेज के लिए रखिए, आपको 50% 100% रिटर्न मिलता है। मिलता है कि नहीं पेनी स्टॉक में? आई होप कि आपको पता होगा। जिन लोगों को नहीं पता है, मार्केट में न्यू है, उनको मैं बताना चाहता हूँ, यस सर, ऐसे भी होता है स्टॉक मार्केट में। आप विद इन 3 मंथ अब 100% रिटर्न निकल सकते हो। पेनी स्टॉक ऐसे करके दिखा सकते हैं आपको, तो उनका भी वीडियो हम बनाएंगे आगे। तो आप जरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आपको लगता है कि एक दो वीडियो देखने के बाद कि हमारे अंदर कुछ सच्चाई है, आप लोगों के साथ हाथ मिला के चलना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अदरवाइज कोई फोर्स या जबरदस्ती या जल्दीबाजी नहीं है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए गाइस, सबसे पहले चलते हैं कि कौन कौन से स्टॉक मेरे रडार पे है, उनमें से कौन से स्टॉक सबसे बेस्ट बनेगा, कौन सी स्टॉक सबसे बेस्ट बनेगा, ये मैं वीडियो का अंत में जरूर बताऊंगा। मैं आपको ओवरऑल 4 से 5 स्टॉक दिखा रहा हूं, बट 4 से 5 स्टॉक के अंदर एंट्री कहां पे होगा, कौन से स्टॉक के ऊपर मेरा 90 to 95% चांसेस है पॉजिटिव ब्रेकआउट एंड ब्लास्टिंग एंड स्विंग मोमेंटम देने का, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। चले फिर, चलो सर चलते हैं। सबसे पहला रेडर पे है, देखिए यहाँ पे हम इसके थोड़ी देर पहले इंटरडे स्टॉक सजेस्ट किया था, ओके, और अभी जो हम सजेस्ट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे मेरे रेडर पे है टाटा कंज्यूम, एशियन पेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, IRCTC, ACC एंड ओलेक्ट्रा। इन स्टॉक को किस तरीके से हम यूज करेंगे, देखिए मैं चार्ट आपको दिखाऊंगा, चार्ट के अंदर समझा के बताऊंगा कि कहाँ पे हम बाइंग करें और क्या टारगेट रखें, ठीक है? तो देखिए मार्केट में गिरावट बना हुआ है, ठीक है, बट ये स्टॉक नहीं गिर रहा है। पता है आपको एक चीज समझिएगा, मैं टेक्निकल मतलब लॉजिक के साथ बात करता हूँ, कभी भी मैं ना बात करता हूँ आपसे तो लॉजिक के साथ बात करता हूँ, ठीक है? क्या लॉजिक है, देखो मार्केट के अंदर एक ह्यूज क्रैश आया है पिछले 3 दिन में, आप सब लोगों को पता है ना, बट ये स्टॉक के अंदर क्या इतनी क्रैशेस आया है, देखो इतनी क्रैशेस आया लास्ट 2 दिन से, ये बुलिश रहा है और उल्टा पॉजिटिव में गया है, ओके। तो जब बड़ी अंधी में, बड़ा अंधी में कोई एक पेड़ को गिरा नहीं सकता है, इसका मतलब क्या आता है सर? उस पेड़ में कुछ मजबूती है, तो बाकी पेड़ गिर गया है और ये पेड़ ना ऐसे झुक गया है, तो क्या होगा? जब अंधी खत्म हो जाएगा तो सबसे पहले यही पेड़ खड़ा होगा। अब समझ लो बात को, यानी कि इस पेड़ में दम है। तो मैं वही लॉजिक लेके आया हूं टाटा कंज्यूम के अंदर कि आप देखो टेक्निकल को समझो कि ये जो इसका हाई लेवल था, इन हाई लेवल के ऊपर ये सस्टेन कर रहा होगा, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको आने वाले दिन पे एक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट चाहते हो, आप इस लेवल के ऊपर बाइंग करना, मिनिमम आपको 890 के ऊपर स्टेबल होगा, स्टेबल होगा। अब कितनी देर का स्टेबल, ये जानने के लिए आप कमेंट्स कीजिए, मैं आपको हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा, ओके। आपको होल्डिंग पर्पस बाइंग करना है 1 वीक 10 डेज 1 मंथ, कितना रिटर्न के लिए मैं बताऊंगा। फर्स्ट टारगेट आपको 5% रहेगा, जो आपको बैंक में पड़े पड़े 1 साल में भी नहीं मिलता है। कितने दिन में सर? 1 वीक 10 डेज, मैक्सिमम 1 मंथ, ओके। अब स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस बताऊंगा कि इन जोन को अगर ब्रेक करता है डाउन में तो आप स्टॉप लॉस लोगे, अब 890 के ऊपर मैं बाइंग करूंगा, ठीक है? चलो, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरा 90 to 95% सबसे जोर मैं किस स्टॉक में दे रहा हूं, ये मैं आपको अंत में बताऊंगा, ठीक है? मैं चारों स्टॉक को टेक्निकल दिखाता हूं आपको। एशियन पेंट क्या हुआ सर, देखो एशियन पेंट को जानते हैं क्या आप?
मुझे लगता है कि आप नहीं जानते, ये बड़ा अनकॉमन स्टॉक है, ठीक है, ये बड़ा अनकॉमन स्टॉक है, मैक्सिमम लोग नहीं जानते है ना। यस सर, कैसे जानेंगे, चलो मैं भी नहीं जानता हूँ, बट मुझे ना तब से पता चला जब मैं मकान बनाने गया, ठीक है सर, जस्ट मजाक कर रहा था, एशियन पेंट को हम सब लोग जानते हैं, जानते हैं कि नहीं सर? यस, तो लाइक कहाँ है, आपको अंगली में कुछ हुआ तो नहीं? हाँ तो लाइक दबा दीजिए। चलो तो एशियन पेंट देखो, एक इतने अच्छा स्टॉक होने के बावजूद भी पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आया है, और अभी क्या हो रहा है, जब मार्केट गिर रहा है तो स्टॉक बढ़ रहा है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मैं ड्रॉ किया हूँ, देखो यहाँ पे एक मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूँ, और बॉटम से अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा, अदरवाइज ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, जो भी करूँ मैं क्या करूंगा, इस जोन के ऊपर 3300, 3300 इस लेवल के ऊपर स्टेबल होगा, स्टेबल होगा, बार बार बता रहा हूँ, स्टे होना जरूरी है, आपको होल्डिंग पर्पज बाइंग करना है तो ठीक है, तो इसके ऊपर स्टे होगा, मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा, स्टॉप लॉस मैं इसी जगह के नीचे स्टॉप लॉस मेंशन करूंगा। टेक्निकल खुद से समझो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि सर आप स्टॉप लॉस कहाँ पे रखोगे, ठीक है सर, किसी का बताने का वेट मत कीजिए कि मैं स्टॉप लॉस कहाँ पे रखूंगा, आया समझ में? चलो नेक्स्ट कौन सी स्टॉक है मेरे रेडर पे, तो नेक्स्ट रहता है महिंद्रा एंड महिंद्रा। अब सारे स्टॉक का लॉजिक देखो सर, ठीक है, लॉजिक देखो सर कि ये लाइफ टाइम हाई ब्रेक करके एक बार स्विंग हाई बनाया था, अब प्रॉफिट बुक आके लास्ट डे में ये ग्रीन बनाया है, ठीक है, यानी कि लाइफ टाइम हाई को रेंज के अंदर नहीं फंसा हुआ है, समझ में आ रहा है? महिंद्रा महिंद्रा को कहाँ पे बाइंग करोगे, कहाँ पे बाइंग करोगे सर, लास्ट डे का जो कैंडल है ना, लास्ट डे का जो कैंडल है, अब इस कैंडल का हाई के ऊपर बाइंग करोगे, यानी कि 1620 के ऊपर स्टे होगा, स्टे होगा। मैं हर एक स्टॉक में एक भी बात बोल रहा हूँ, बट कमेंट्स आपको आना चाहिए कि आप कितनी देर स्टे के बाद बाइंग करोगे, ठीक है, अगर आएगा मैं सबको आंसर दूंगा, वो भी कल सुबह 9 बजे से पहले, ओके। तो इसका स्टॉप लॉस जहां तक मुझे लगता है 1560 का स्टॉप लॉस रख के चलिए। आईआरसीटीसी, आईआरसीटीसी को जानते हैं क्या आप? ये भी आपके लिए अनकॉमन स्टॉक होगा, क्या करें सर, कितने स्टॉक का नाम याद रखे। चलो सर, आईआरसीटीसी को भी हम सब जानते हैं, और एशियन पेंट भी हम सब जानते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी मैक्सिमम सारे ट्रेडर्स जानते हैं, है कि नहीं? तो सारे मैं कॉमन स्टॉक दे रहा हूँ आपको, कॉमन स्टॉक, ओके। आईआरसीटीसी में क्या हुआ सर, देखो ये तो मार्केट के साथ ही गिर रहा है, अब बाकी जो स्टॉक दिखाया आपने वो तो मार्केट के साथ गिरा नहीं था, ग्रीन था, बट इसको आप क्यों दे रहे हो, ठीक है, तो इसको मैं बताना चाहता हूँ, ये टेक्निकली सपोर्ट पॉइंट पर आ चुका है। अब ये टेक्निकल क्या है, देखो कुछ टेक्निकल इंडिकेटर जो हमारे क्लासेस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, क्लासेस के अंदर समझाया जाता है, जिन लोगों को ऑनलाइन क्लासेस का जरूरत है, क्लासेस का जरूरत है कि मार्केट को मैं सीख के ट्रेड करूँ, वो सर्कल ट्रेडर्स के दरवाजे पे आ सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ मोस्ट वेलकम फॉर बिगिनर्स, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से पहले आप मार्केट को सीखो, चाहे किसी भी तरीके से, जब आपको एक्यूरेसी, आपको लगेगा कि मेरा एक्यूरेसी 85% सही आ गया है, तब आप ट्रेड करो, बट इसके पीछे एक चीज रहता है, साइकोलॉजिकल हैंगिंग, इससे कैसे बचे, ये बचना बहुत मुश्किल है ना, तो आप ये सारी चीजों को कंट्रोल में लाके, काबू में लाके, तभी आप ट्रेड में आइएगा, इंट्राडे ट्रेड, खास करके ऑप्शन ट्रेड। मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर, ऑप्शन ट्रेड में आपका पैसा जो है बर्बाद करने से पहले आप पहले सीखो मनी मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मनी मैनेजमेंट करना। तो कल 25th है, कल से हमारा क्लासेस शुरू हो रहा है, अगर आप ये सारी चीज़ सीख के मार्केट में आना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। चलो तो आईआरसीटीसी क्या है लॉजिक, नहीं यहाँ पर टेक्निकली सपोर्ट मुझे मिल रहा है, अगर प्रीवियस देखो लास्ट रेड कैंडल कहाँ पे है इसे, तो इस रेड कैंडल के ऊपर हमें स्टे होना पड़ेगा, तब मैं बाइंग साइड का सपना देखूंगा, सपना देखूंगा, ओके। लास्ट आता है एसीसी, देखो एसीसी जो है इन दिनों पे, एसीसी का भाग कौन तैयार करता है, एसीसी का नसीब कौन बनाता है, आप बता सकते हैं क्या? एसीसी का नसीब बनाता है अदानी एंटरप्राइज, अदानी ग्रुप, क्यों? क्योंकि अदानी ग्रुप ने एसीसी को खरीद लिया है, कितना पूरा नहीं खरीदा है, समथिंग स्टेक खरीदा है। तो आपको ये समझना है कि एसीसी एक अच्छा टेक्निकल सपोर्टिंग पे है, मैं इसलिए दे रहा हूँ, बट अदानी एंटरप्राइज का जो मैं चार्ट देखा हूँ वो अच्छा, एक बियरिश डाउन होने का चांसेस मुझे ऐसे लग रहा था, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि अदानी एंटरप्राइज अगर गिरेगा तो एसीसी बहुत ज़्यादा चांस है गिरता है, अगर अदानी एंटरप्राइज रुक जाता है तो एसीसी इस हाई के ऊपर हमें एक होल्डिंग स्टॉक बन सकता है, बट एसीसी का जो होल्डिंग पर्पस रहेगा, होल्डिंग स्टॉक रहेगा, ये आपको शॉर्ट टर्म नहीं रहेगा, ठीक है, मिड टर्म के लिए लीजिए, कम से कम 4 से 6 महीने के लिए लीजिए, ठीक है, आपको अच्छा रिटर्न देगा।
ठीक है, बट स्टॉप लॉस जरूर मेंशन कीजिएगा इसके ऊपर जाने के बाद, बाय इसके नीचे। अब वो टाइम आ रहा है कि सर क्या बता रहा था, सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक मेरे लिए 90% एक्यूरेसी वाला स्टॉक कौन सी है। देखो सर यहाँ पे अब मैं बोलता हूँ, जिन लोग इंटरनेट ट्रेडिंग करते हैं, आप अगर चाहते हो कि हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आपको कॉल पाना फ्री में, सब कुछ फ्री में है ठीक है, तो आप यहाँ पे इस चैनल को ज्वाइन कीजिए। बट इस चैनल पे ना आप थोड़ा देख लीजिएगा, नाम को सर्च करके मत लाइएगा, या तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर सर्च करके लाने के बाद अगर मेरा वीडियो मिलता है उस चैनल पे तो वो हमारा चैनल है, अदरवाइज सारे फेक चैनल है ठीक है। हमारे चैनल का सब्सक्राइबर नियर अबाउट 17,100 इस तरीके से है, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आ रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा बेटर स्टॉक मुझे कौन सी लग रहा है, तो मुझे लग रहा है बेटर स्टॉक टाटा कंज्यूम ठीक है, मुझे लग रहा है बेटर स्टॉक महिंद्रा एंड महिंद्रा, और उससे भी ज़्यादा मुझे लग रहा है एशियन पेंट। और एक स्टॉक का मैं नाम बताऊंगा जो आपको सुबह उठते ही ना विदिन ऑन आवर्स जरूरत पड़ता है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं मैं कौन सी स्टॉक का बात कर रहा हूँ। ओके, मैं आपको स्टॉक का नाम चार्ट में दिखा रहा हूँ, अब ये मैं कमेंट्स में आपके लिए छोड़ूंगा कि कौन सी स्टॉक है ये। चलो सर मैं कमेंट्स में दिखाऊंगा, तब तक मैं डिस्क्लेमर देके मैं स्टॉक का नाम लेके आता हूँ राइट। देखिए ये बड़ा एक गेम मैं बनाया हूँ ठीक है, अब मैं स्टॉक का नाम को मैं हाइड रखूंगा, अब आपको बताना पड़ेगा कि स्टॉक कौन सी है ठीक है। देखो मैं स्टॉक का नाम अब मैं नहीं हाइड कर रहा हूँ, अब मैं स्टॉक का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ठीक है ठीक है ठीक है। सर गेम के लिए तैयार है सर? सर कौन सी स्टॉक है, सर कौन सी स्टॉक है ये आपके लिए रहेगा कमेंट सेक्शन में, आप बताइएगा ठीक है। अब ये स्टॉक कहाँ पे बाइंग करना है, आई होप कि अगर 3 से 4 स्टॉक जो मैं दिखाया हूँ वो उस स्टॉक का टेक्निकल समझ पाए होंगे, तो इस स्टॉक का टेक्निकल भी समझ पाए होंगे। आपको क्लू दे दिया हूँ, इस स्टॉक को हम मॉर्निंग पे सुबह उठने के बाद विद इन ऑन आवर्स हमें जरूरत पड़ता है, कैसे लगाएंगे हम, अच्छा लगा? चलो कमेंट सेक्शन में आप सबका इंतजार करूंगा। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।